यहाँ फुटप्रिंट के अंदर महाबली हनुमान की जो है मूर्ति भी लगाई गई है। जब बजरंगबली माता सीता का पता लगाने लंका आए थे, तो जब माता सीता से मिले थे तो उनका जो फुटप्रिंट्स है, और यहाँ पे आप सिक्के डाल सकते हैं, सिक्के डाले जाते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ के लोग का मानना है कि माता सीता के नाम लेकर सिक्के डालते हैं। तो आप जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आ चुका हूँ अशोक वाटिका, जहाँ माता सीता को रावण ने जब हर के लाया था वो यहीं पे रखा था। जब यहाँ से लोग निकलते हैं, गुजरते हैं इस रास्ते से, तो महाबली हनुमान को नमन करके उसके बाद अपने मनोकामना के लिए कुछ सिक्के बांधे जाते हैं, ताकि उनकी मनोकामना पूरा हो सके। ये सीता अमन कोविल टेम्पल बहुत ही फेमस, इस समय इस जगह का नाम है सीता अमन कोविल के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जो है, पहाड़ बहुत सारे पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है एरिया, और बहुत सारे पेड़ हैं, जिसमें अशोक का पेड़ बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अशोक वाटिका का नाम दिया गया इसे रामायण काल में। और जो राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो, वहाँ से 174 किलोमीटर दूर है नूरेलिया से 8 किलोमीटर पे पड़ता है अशोक वाटिका, जहाँ सीता माता का मंदिर है। यहाँ पे मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखा, यहाँ चारों तरफ से पहाड़ है। और सो गाइस, मैं एंटर करने वाला हूँ मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ है महाबली बजरंगबली, और यहाँ पे है प्रभु श्री राम की मूर्ति है, और लखन और माता सीता जी। और हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन मंदिर अभी खुला नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ। मंदिर करीबन 8 बजे खुलता है, और जब मंदिर जैसे ही खुलता है तो हम लोग इसके अंदर जाते हैं। मंदिर जो 8 बजे खुलेगा, तो हम थोड़ा सा इधर घूमने आ गए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा। और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है, ठंड भी है थोड़ा थोड़ा। और आप अगर श्रीलंका में कहीं अगर घूमना चाहते हैं तो नूरेलिया ज़रूर आइए, नूरेलिया। और यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, जैसे शिमला की तरह सेम यहाँ भी है, थोड़ी सर्दी भी है। और यहाँ कम से कम 10 बजे के बाद जो है गर्मी थोड़ा चालू। ये जो अशोक वाटिका है, रावण का फेवरेट जगह हुआ करता था, और यहाँ रावण माता सीता को हर के ला के यहाँ पर रखा था। जब बजरंगबली माता सीता का पता लगाने लंका आए थे, तो जब माता सीता से मिले थे तो उनका जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पे पत्थरों पे निशान पड़ गया, उग गया है, और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मंदिर जैसे ही खुलता है उसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पे है सीता नदी, जो जहाँ माता सीता, जो सीता नदी है वो दो पहाड़ों से निकलती है। आप देख सकते हैं, एक इधर पहाड़ से निकलती है सीता नदी, और एक इधर पहाड़ से जो थोड़ा दूर से आ रही है सीता नदी, और ये दोनों पानी का संगम है, और आगे जाके मिलता है जहाँ माता सीता। यहाँ आसपास घने जंगल हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़, वृक्ष पेड़ हैं, और ये सब अशोक वाटिका के वृक्ष हैं, देख सकते हैं। यहाँ तो ठंडी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, और बहुत ठंड लग रहा है। सुबह सुबह आ गए हूँ तो ठंड थोड़ा ज़्यादा है इस समय। और मंदिर खुल गया है, मैं जाने वाला हूँ उसके अंदर। अंदर जाने वाला हूँ, उसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ हनुमान जी का जो फुटप्रिंट है वो आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, और मैं वहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेन मंदिर है,
सो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना। मेन मंदिर में पूजा किए हैं और जहां माता सीता लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की मूर्ति हैं और मेन मंदिर था वहां वीडियोग्राफी बंद है और मना है। और लोग जाने वाले जहां हनुमान जी के फुटप्रिंट हैं और माता सीता जिस नदी में जो स्नान करती थी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो देख सकते हैं। वो माता सीता और हनुमान जी जो बैठे महाबली हनुमान के जो पद चिन्ह पाए गए हैं वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं। सीता और महाबली हनुमान जो पहली बार यहाँ श्रीलंका में माता सीता को ढूंढते हुए मिले थे जब प्रभु श्री राम ने भेजा था उनको। आसपास घना जंगल है आप देख सकते हैं, जिससे हनुमान जी को माता सीता को ढूंढने में थोड़ा समय लगा था। ये जो नदी दिखाई दे रही है सीता नदी है, इस सीता नदी के नाम से जाना जाता है इस नदी को, जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। और जब बजरंगबली जब यहाँ पहली बार लंका में उतरे थे तो उनका पद चिन्ह जो है यहाँ फुटप्रिंट उग गया था, आप देख सकते हैं। और यही माता सीता से मिले थे महाबली बजरंगबली। सो गाइस आप देख सकते हैं यहीं पे जो महाबली हनुमान जी का जो है पद चिन्ह है ये, और यहाँ पे माता सीता से बात करते हुए बजरंगबली और माता सीता जो पहली बार यहाँ श्रीलंका में आए थे। यहाँ फुटप्रिंट के अंदर महाबली हनुमान की जो है मूर्ति भी लगाई गई है। देख सकते हैं, और यहीं पे है सीता नदी जो कलकल छलछल बहती, माता सीता जो यहीं पे बैठ के स्नान किया करती थी और प्रभु श्री राम को याद किया करती थी यहीं पे, आप देख सकते हैं। अशोक वाटिका रावण का पसंदीदा जगह में से एक हुआ करता था, जो माता सीता को हरने के बाद यहीं पे ला कर रखा था। और यहाँ से थोड़ी दूर पे है रावण की लंका, जो यहाँ से 30 किलोमीटर के दूरी पे है, और इस पहाड़ी के पीछे है रावण का जो रॉयल हाथियाँ पाई जाती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जटायु की मूर्ति, जहाँ मात्र एक जटायु की मूर्ति यहाँ पे मौजूद है। आप सीता नदी में स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ एंट्री का कोई मना नहीं है, आप यहाँ एंटर कर सकते हैं पानी में, आप देख सकते हैं पानी बहुत ठंडा है। ओ एक तो ऊपर से ठंडी है, ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा है, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, पानी कितना निर्मल है, बहुत साफ है पानी। और हम लोग जाने वाले हैं जटायु की मूर्ति देखने। तो सो गाइस जटायु और निषादराज इन सब की यहाँ मूर्तियाँ जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ अवेलेबल मौजूद हैं, यहाँ बनाई गई हैं। और यहाँ सबसे बड़ी मूर्ति श्री राम की है और उसके बाद लखन जी, उसके बगल में खड़ी है माता सीता, जो वो सामने दिखाई दे रहा है जटायु जी की मूर्ति, जिन्होंने अपने पराक्रम से खूब लड़ा था माता सीता को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं रामायण में जितने भी पात्र हैं वो, जितने भी लोग श्री राम का सहयोग दिए हैं, आप देख सकते हैं श्री राम के पीछे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। और यहां पे बहुत सारी मूर्तियां हैं, सैकड़ों मूर्तियां हैं यहां पे, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे मौजूद हैं छोटे हनुमान जी, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। ये शहर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं 4 किलोमीटर तो पैदल ही चल चुका हूँ और थोड़ा भी थका नहीं है, क्योंकि रात को भी जगा हूँ और पूरी रात जगा हूँ और 4 किलोमीटर जग पूरी पहाड़ पे चढ़ाई है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितना खूबसूरत ये शहर है उतनी खूबसूरत यहाँ की बिल्डिंगें भी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही पीसफुल यहाँ का जो है बहुत ही अच्छा है नोरा एलिया।